नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं, आप जो भी जीमेल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा फ़ोन में सेम जीमेल इस्तेमाल करते हैं, अदर ऑफिसेस में जीमेल इस्तेमाल करते हैं, घर के लैपटॉप टैबलेट में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, अगर ऐसे में आपको लगता है कि कोई जीमेल मेरा है और उस वो जीमेल जो है पर्टिकुलर किसी अदर डिवाइसेस पर लॉगिन हो गया है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप अगर पता करना चाहते हैं दोस्तों कि क्या कोई और आपके जीमेल के एक्सेस कर रहा है, तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ आना होगा और यहाँ आने के बाद ये जो लिखा है मैनेज योर अकाउंट, यहाँ पर चलने के बाद दोस्तों आपको गूगल एक ऑप्शन देता है सिक्योरिटी का, ये देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग करना है। पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट इज़ प्रोटेक्टेड, मतलब कि हम पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं हमारे अकाउंट में, तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ नीचे आना होगा दोस्तों और यहाँ आने के बाद ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है योर डिवाइसेस, आप कहाँ कहाँ साइंड इन है, तो मैं यहाँ पर एक बार मैनेज ऑल डिवाइसेस पर क्लिक करके आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं करेंट सेशन देखिए यहाँ टिक लगा हुआ है क्योंकि ये मैंने यहाँ खोल रखा है। इसके बाद दोस्तों मेरे मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है, 7 मिनट पहले मैंने वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया था व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर, तो ये दो जगह आपको यहाँ पर दिख रही हैं, यू आर साइंड इन ऑन दीज डिवाइसेस और हैव बीन इन द लास्ट 28 डेज, 28 दिनों का डेटा यहाँ पर दिखाता है दोस्तों। यहीं पर आप देखेंगे अगर आपको लगता है कि कहीं कोई अनऑथराइज एक्सेस आपके जीमेल का हुआ है, तो यहाँ पर वह लिस्ट आ जाएगी पर्टिकुलर, और उस लिस्ट के बाद आपको करना क्या होगा, आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहां पर ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कि ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वहां पर चलाया गया है, कितनी देर बाद चलाया गया है, ये आप जो है वहां पर आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। और इस तरीके से ही आप जो है यहां से उस डिटेल को हटा भी पाएंगे अगर आपको लगता है कि कोई अनऑथराइज जो है यूजर आए हैं और वो यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, तो जो है आप यहाँ से उनको साइन आउट कर सकते हैं परमानेंटली। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको जीमेल प्रोवाइड करता है, आप सभी अपने जीमेल को चेक कीजिए और जाकर देखिए कि क्या आपके जीमेल पर कितने लॉगिन हैं, अगर कोई एसेंशियल अनएसेंशियल लॉगिन हुआ भी नहीं है तो भी आप ये एक बार या महीने में 15 दिन आप इसको चेक करते रहिए, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि सिक्योरिटीज़ के जितने ऑप्शन आप आते हैं, जितनी परेशानियाँ आप हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी कमी के कारण भी होती हैं क्योंकि हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं। आप इस तरीके की सिक्योरिटीज़ चेकिंग कर सकते हैं जीमेल में और आपके डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।